सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपनी एक जो पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो कैमरे के सामने आप बता दीजिए। बताइए जी, आपका नाम क्या है? कि हम सब इंसान ही है, यहीं पे आके धर्म जात बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज के जनरेशन में जितने भी लड़के हैं सब लोग यही चाहते हैं कि बस मेरे हिसाब से लड़की रहे। मैं चाहती हूँ कि ऐसा लड़का हो जो मुझे हर चीज में, वो मुझे सपोर्ट करे, केयर करे, टाइम दे और बहुत प्यार करे। क्योंकि आज के जनरेशन में जितने भी लड़के हैं सब लोग यही चाहते हैं कि बस मेरे हिसाब से लड़की रहे। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया और अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ आज एक नई प्रोफाइल लेकर। और ये प्रोफाइल कहाँ से आई है, जो आप हो सकता है कि बैकग्राउंड का जो एरिया है वो देखने के बाद आप डिसाइड कर सके, या आपको अनुमान हो सकता है कि लग जाए कि ये आखिरकार जो प्रोफाइल है कहाँ की है। और आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ एक नए रिश्ते के सिलसिले में बातचीत करने के लिए, जिसके पिछले काफ़ी समय से आप रिक्वायरमेंट कर रहे थे। और ये रिश्ता कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया है, किस व्यक्ति का, प्लस उनको किस प्रकार की टर्म एंड कंडीशंस है, प्लस उनको किस प्रकार का जीवन साथी चाहिए, वो सारी जो बातें हैं कहीं ना कहीं हम आपको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैम जस्ट बगल में बैठी हैं, जो अपने लिए एक बेहतर जीवन साथी की जो तलाश है उसके रिक्वायरमेंट के सिलसिले में आज आपसे और हमसे स्वयं कहने वाली हैं, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मालूम पड़ेगी। आइए दोस्तों मैम से बातचीत करते हैं, जो पर्सनल लाइफ की जो रिक्वायरमेंट है, नीड्स है, क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस है, वो सारी बातें हैं, या जीवन साथी सरल शब्द में कहें कि जीवन साथी कैसा चाहिए, वो मैम स्वयं आपको बताने वाली हैं। ऑलरेडी हमारे तक जो जानकारी बैकग्राउंड के माध्यम से आई, हमने रिक्वेस्ट किया कि मैम कृपया एक बार आप आके वीडियो के माध्यम से अगर आप जानकारी रखेंगे तो इसमें हमारे पास कई सारे ऑप्शन हो जाते हैं कि आपके लिए जो बेहतर जीवन साथी की जो तलाश है उसमें हम आपका चयन कर सके एक अच्छे जीवन साथी के। तो मैम सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपनी एक जो पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो कैमरे के सामने आप बता दीजिए। ऑलरेडी पीछे तो हमने आपने हमें बताया है, ये आपकी पूरी जो बायोडाटा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन एक बार आप स्वयं की जो जानकारी है एक बार रखिए, जैसे आपका नाम हो गया, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी पढ़ाई, आपकी लिखाई, आपकी शिक्षा, आपका धर्म क्या है, आपको किस प्रकार का जीवन साथी चाहिए, ये सारी चीजें आप कुछ समय के अंदर चंद शब्दों में आप रखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप बताइए जी आपका नाम क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरजू शेख है। okay. मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ और मेरा 21 प्लस है। okay. और मैं लखनऊ में रहती हूँ और मेरा एमए कंप्लीट है। okay. और मुझे एक ऐसे लड़के की तलाश है जो मुझे चाहे, मुझसे प्यार करे और मुझे अपना टाइम दे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात की वो मतलब मैं कोई भी अगर काम करती हूँ तो वो मुझे रोक टोक ना लगाए, उसमें आपका पूरा सहयोग करे, तन मन धन से। क्योंकि आज के जनरेशन में जितने भी लड़के हैं सब लोग यही चाहते हैं कि बस मेरे हिसाब से लड़की रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आज के डेट में अगर देखा जाए 90% जो जितने भी कपल्स हैं अभी जो प्रेजेंट टाइम जिनको शादी विवाह हुआ है, 1-2 साल हो गया, अगर उनसे पूछा भी जाता है ना कि आपके पारिवारिक जो जीवन कैसा चल रहा है, तो लोग कहते हैं यार मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझते नहीं है। मैं कहता हूँ कुछ और, मैं बोलता हूँ आलू लेकर आओ तो चिकन। हाँ जी, तो ये चीजें जैसे जी इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप लोग बात को मतलब समझते नहीं है। अगर लड़की कुछ कहती है तो उसको समझेंगे नहीं, समझेंगे मैं लड़का हूँ, मेरी शादी हो गई। हाँ। तो मैं जो कहूँ वही वो करे, और ये सबसे गलत बात है। अरे भाई लड़की की भी जीवन है, तो अपने हिसाब से आइए शादी करके, इतने दूर से आपको कुछ बात समझना चाहिए उसकी। इसी की वजह से इतने डिवोर्स केस बनते हैं। और ये मैं चाहती हूँ कि ऐसा लड़का हो जो मुझे हर चीज में, वो मुझे सपोर्ट करे, केयर करे, टाइम दे और बहुत प्यार करे। अगर बैलेंस उसका कम भी होगा तो मैनेज कर लूंगी मैं। ठीक है, मैं उन जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए, या ग्राहक जो हमारे है, या जो भी आपके जीवन साथी के बारे में सिलेक्शन करना चाहेंगे, उनको थोड़ी सी और क्लियरिटी चाहिए, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा आप क्लियर शब्द में कहिए। जैसे आपको क्या मुस्लिम समाज का ही कोई लड़का ही चाहिए, या फिर दूसरे समाज का भी हो, दिल दिमाग का व्यक्ति अच्छा हो, उनके पास कोई पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर मास्टर IAS हो, या फिर पैसा उनके लिए बहुत आपके लिए मायने रखता नहीं, उनके पास करोड़पति धंधा बिजनेस होना चाहिए, या फिर कोई व्यक्ति अगर नॉर्मल मध्यम वर्ग की मिडिल क्लास परिवार का है, कम कमा रहा है, दिल्ली मुंबई महाराष्ट्र जैसे शहर में जाके अगर जॉब या नौकरी भी कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन आपको लगता है कि ये हमें या हम इनके साथ में अच्छे से जीवन यापन व्यतीत कर सकते हैं, तो इस प्रकार का भी रिश्ता चलेगा, या फिर आपको अपनी आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए। जी सबसे पहली बात कि मुझे अपने धर्म से कोई मतलब नहीं है। okay. अगर मैं अब मुसलमान भी हूँ तो मुझे बस एक अच्छा लड़का चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम ही हो तो ही चलेगा। बिल्कुल, क्योंकि हम सब इंसान ही है, यहीं पे आके धर्म जात बनाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 100%। हाँ, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, हाँ वो कोई भी चल सकता है। और एक बात उसके बैंक बैलेंस की, वो कहाँ कमाता है, कितना कमाता है, तो अगर वो थोड़ा भी कमाएगा, मुझे खुश रखेगा, मेरी सपोर्ट करेगा, मुझे टाइम देगा,
तो मेरे लिए उतना काफी है। मैम देखिए, अगर वास्तविक जीवन में अगर आप बात करें, देखिए एक पिक्चर में जो मूवी वगैरह में काल्पनिक जीवन होता है जिसमें हीरो हीरोइन के बारे में बहुत कुछ दिखाया जाता है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पे अगर हम हकीकत देखें तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। आदमी सोचता है ना शादी पहले कि मेरी जो लड़की है वो तो क्वीन है, रानी है ड्रीम्स, फिर बाद में वही लड़की उनके लिए मुसीबत का कारण बनती है। तो ये आदमी जो कल्पना करता है, अगर व्यक्ति उस कल्पना के मतलब कल्पना के ऊपर नहीं खड़ा उतरता तब उनको तकलीफ होती है। लेकिन अगर व्यक्ति अगर स्टार्टिंग में सब चीजों की कल्पना ही नहीं करेगा कि नहीं भाई हमें ऐसा नहीं वैसा चाहिए, हम नॉर्मल व्यक्ति हैं, नॉर्मल जैसा परिवार मिले जो हमको समझ सके हम उसको समझ सके, सीधी सी बात। ऐसा नहीं कि हम ये हमारी वाइफ हैं तो ये हमारे हस्बैंड जो हम कहेंगे वही मानेंगे। हाँ, ये इसी से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है मैम, आपकी सारी जो जानकारी है वो ऑलरेडी हमारे पास है, अगर आप परमिशन देते हैं तो उनको हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे साझा कर सकते हैं क्या? डाल दीजिए। ओके ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है कि अभी तक जो आपने हमसे सिर्फ जानकारी कहा था कि भैया हमें अपने लिए कोई जीवन साथी आप सजेस्ट कीजिए, तो इससे क्या होता है कि हमारे पास लिमिटेशंस होती है। एक दायरा होता है कि हम 2-4, 10-20 लोगों से जानकारी साझा करेंगे, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से अगर आपने ये चीजें परमिशन के रूप में दे दिया तो इससे क्या भारत के हजारों लोग देखेंगे। अब उन हजारों लोगों में से आपको कोई एक सिलेक्शन करना, तो आपके पास लोग ज्यादा चॉइस ज्यादा है उसमें, जिसको आपको लगता है कि हाँ ये हमारे लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर सिलेक्शन के रूप में हो सकता है, आप उनको सिलेक्शन के रूप में आगे चल के अप्रूवल दीजिए। एक दूसरी कुछ और भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या आपका जो पर्सनल जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो हम अपने इस वीडियो में साझा करें या फिर हम अपनी ऑफिस या अपनी संस्था के हम अपना नंबर साझा करें? क्या होता है कि अगर हम आपका नंबर साझा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मैम फोन कॉल्स हमारे पास आएंगे, रिश्ते के बारे में जो लोग भी आपके प्रोफाइल से इंटरेस्ट होंगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहे होंगे, वो लोग अगर आपसे शादी विवाह करना चाहते हो तो हमारी संस्था में फोन करेंगे। और डायरेक्ट आपका कॉल डालने का मतलब, नंबर डालने का मतलब फिर वो अनलिमिटेड कॉल्स आपके पास दिन रात 24 घंटे? जी, इसे आप अपना ही नंबर डालिए। ओके, संस्था का हम, आप कोई भी मतलब आता है जिसके लिए तो आप मुझसे बात करिए, आप अपना डालिए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो बेफजूल बात करने के लिए करते हैं। उसमें कुछ लोग वास्तविक रहेंगे, कुछ लोग काल्पनिक रहेंगे, कुछ टाइम पास के लिए फोन करेंगे, कुछ वास्तविक वास्तव में उनको जीवन साथी चाहिए। ओके ठीक है, बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम ऑलरेडी इस अपने यूट्यूब चैनल पे एक बायोडाटा फॉर्मेट जो आपने दिया है वो साझा कर देंगे, ताकि जिस भी व्यक्ति को किसी और प्रकार के अगर इन्फॉर्मेशन वीडियो में जैसे छूट गए, पढ़ाई लिखाई शिक्षा एजुकेशन कॉलेज अगर कुछ छूट गया, ताकि उनको कंप्लीट जानकारी हो सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये वीडियो अभी तक आपने देखा, उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे, ये रिश्ता पसंद आए तो डायरेक्ट दोस्तों आप डेफिनेटली हमारे ऑफिस में आके इस रिश्ते के बारे में बातचीत कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन घर बैठे शादी विवाह रिश्ते के बारे में बातचीत कर सकते हैं। नीचे आपको एक हमारे ऑफिस का कॉन्टेक्ट नंबर दिखा दे, इस नंबर पे आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में कभी भी फोन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सूचना चाहिए, जानकारी चाहिए, इंक्वायरी लेना चाहते हैं या ऑफिस आना चाहते हैं, ब्रांच आना चाहते हैं, हमारे ऑफिस का लोकेशन क्या है, हमारे टर्म एंड कंडीशन क्या, प्लान क्या क्या है, या इस प्रकार के और आप अगर आपको रिश्ते चाहिए फ्यूचर में या आपके जान पहचान रिलेटिव जान पहचान की किसी भी है, तो दोस्तों आप डेफिनेटली हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये वीडियो अभी तक आपने देखा इसके लिए हम आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, मैम आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उसके पीछे कारण यह है क्योंकि आज के डेट में कैमरे के सामने कोई भी बहन बेटी या कोई भी फीमेल आके डायरेक्टली पर्सनल अपने रिश्ते के बारे में जानकारी नहीं साझा करना चाहती, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आज भी जो समाज है, जो सोशल मीडिया का जमाना दौर तो चल रहा है, लोग इसको तो देख रहे हैं लेकिन उसको अपना नहीं रहे हैं। गाँव के कुछ माताएं बहनें ऐसे भी हैं जो अपना जो है बहन बेटी का रिश्ता किसी विकलांग के पास, किसी कम पढ़े लिखे या फिर किसी दिखाई नहीं देता, मतलब होता ना छुपा के शादी कर देना, तो लोग उस रास्ते से गुजर जाएंगे, उस दौर से गुजर जाएंगे, लेकिन स्वयं आके जिक्र नहीं करेंगे, सामने नहीं, ओपन नहीं करना चाहते अपना। अभी आपने इतना हिम्मत दिखाई, भाई मुझे जीवन साथी ऐसा चाहिए, क्या मजा ले कि आपके गार्जियन, आपके माता पिता या कोई ऐसा आदमी जो जाने जाने में आपके साथ में धोखा ब्लैकमेल करने का काम करे, कर ही नहीं सकता भाई, क्योंकि उनको मालूम ना कि आपने साफ स्पष्ट कहा भाई हमको ड्रिंक वाला नहीं चाहिए, अब नशे वाला कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, परिवार अच्छा होना चाहिए, कोई बड़ा पैसा धन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, दूसरे कास्ट का भी चल जाएगा, तो इससे अस्पष्टीकरण होता है कि आपके थॉट्स में क्या, माइंड में क्या है, प्लस आपको जीवन साथी कैसा चाहिए। अब वही व्यक्ति आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेगा जो व्यक्ति आपके वास्तव में लायक हो, जो आपकी इच्छाओं को डिजर्व करता है, वही व्यक्ति आपको एग्री होगा। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद है, जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप ऑल पे सेट करके रख लीजिए, इस प्रकार की और अधिक वीडियो पाने के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, तो पेज और प्रोफाइल को जरूर फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।